press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अच्छा अच्छा पिक्चर अभी बाकी है. द सो पावरफुल एंड ओ माय गॉड अपने देसी सुपर हीरो सनी पाजी. एंड ऑफ कोर्स मैं क्या कह सकती हूँ, द वेरी रिस्पेक्टेड धर्मेंद्र जी सर प्लीज आइए स्टेज पर. आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. ऑलराइट, फुल जोश में. हाय हाय. Okay, thank you. Can you guys please take the chairs? अच्छा, सबसे पहले तो ये तो ट्रेलर था, इसके पहले टीजर देखा था ना हम लोगों ने. एक सवाल है बॉबी, आपसे पूछना चाहूंगी मैं सबसे पहले. एक सवाल है जो कि अनआंसर्ड रह गया मेरे लिए कम से कम, कि ये आपका नाम काला क्यों है फिल्म में? जानना है कि नहीं जानना है हमें? व्हाई व्हाई? वो इसलिए तो मैं परेशान दिखता हूँ प्रोमो में जब मेरा नाम काला लिया जाता है. एग्जैक्टली, हम भी परेशान हैं. इसकी जो मिस्ट्री है कि काला नाम कहाँ से मुझे मिला, वो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही स्वीट और इमोशनल रीजन है. अच्छा, काला नाम के पीछे इमोशनल रीजन है? अरे ये तो मतलब सच में देखना पड़ेगा. अच्छा, नाम सबके ही बहुत ही अलग टाइप के हैं. सो वी ऑल्सो हैव चीकू. इज दैट बिकॉज यू आर सुपर स्वीट इन द फिल्म? वो ये बता सकते. Why is her name Chiku? I can't hear myself. In the film. Why am I? लगता है ना काला चीकू pairing अच्छी लगती है. अच्छा, काला चीकू. काला जामुन होता है. हाँ, तो फिर आपका नाम जामुन अच्छा लगता है आपको? I don't know. Why not? Try कर लेते. अच्छा, but I really want to ask you, did you also like become a part of the family? कैसा था? How was it? I was very nervous when I started off. Very very nervous. But I think अभी देख के ही पता चलता है कि अब कोई nervousness नहीं रही. But I feel very much a part of the entire family, not just them, but even the producers, even our director, all of us. I know as cliched as it sounds, yeah, we've had literally every meal together while we were shooting. Yeah, yeah. Everyone sits together, everyone chills together, and it was good fun because we had a lot of outdoor shooting. How nice is that? अच्छा, please let's maintain some silence so that we can take the event forward. सनी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक्चुअली आपको बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म में एक और भी स्टार है, सुपरस्टार है, और वो है आपका 2.5 किलो का हाथ. हमें उसको क्रेडिट देना चाहिए आज के बाद से, है कि नहीं? So, you know, we see that one shot जहाँ पर आप ऐसे मारते हो और पूरा पिलर गिर जाता है, which is like, you know, the high point for me. But tell me something, okay? This is personal. Tell me something, when you were kids, बचपन में कभी ऐसा हुआ था कि आपने बॉबी को भी मतलब एक बार कभी ऐसा मार दिया हो? And then how did Bobby, you know, feel after that? ये भी जानना है मुझे. नहीं, Bobby is always been a too young for me to मैं इसके ऊपर कुछ करूँ भी, हाथ भी उठाऊँ. He's been my little brother. He's been like a son to me. हाँ, लेकिन एक बार ही उठाया था. उठाया था. All right, let's have that. जब मैं स्कूल में था और मुझे मेरी ट्यूशन टीचर ने कंप्लेन कर दी कि बॉबी पढ़ नहीं रहा ठीक से, तो भैया आए मुझे समझाने, और फिर मैंने शायद सही जवाब नहीं दिया होगा भैया को, तो भैया गुस्से में आ गए और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा. और उसके बाद मैं कभी नहीं मारा. अच्छा? क्योंकि मैं इतना रोता था थप्पड़ खाने के बाद में कि भैया के डर गए थे. इतनी जोर से नहीं मारा था, लेकिन मारा जरूर था. You're pretty dramatic. मुझे लगता है आपके साथ में ऐसा भी होता होगा, कंधे पे हाथ मत रखो प्लीज, जस्ट लाइक कीप इट इन योर पॉकेट्स. ओके, यू नो, मीडिया के सवाल हम जल्दी शुरू करेंगे. बस आखिरी सवाल धर्मेंद्र सर, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ. सबसे पहले तो आपको भी मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो मेरे दिमाग में हमेशा से बात रही है, कि देर इज़ अ रीज़न वाई हर औरत धर्म पत्नी बनना चाहती है. है कि नहीं? सारी की सारी वुमेन. ओके, सुनते ही मुझे शर्म आ गई, इसलिए कि मैं शर्माता हूँ, शर्म में मेरी शायद कुछ होगा. अच्छा, इस फिल्म में मुझे पता चला है कि आपको कुछ ऐसा परियां दिखती हैं, तो ये तो आपने हर एक एक आदमी की जो फैंटेसी है उसे सच कर लिया है. व्हाट इज इट बिहाइंड? वो संभलते ही ऐसा शुरू हो गया था.
आई डोंट थिंक यू वर इमेजिनिंग दैट. मुझे लगता है आपके आसपास असली में हमेशा परियां रहना चाहती हैं. फिर भी इमेजिनेशन थोड़ी जाता है. ऑलराइट, आई वांट टू से अ वर्ड आफ्टर दिस. कैन वी हैव सम माइक्स रोलिंग इन द मीडिया प्लीज. वी हैव सम रियली लवली. इमेजिनेशन चला जाए मर्द ही नहीं. चेक चेक चेक. हेलो लवली गेस्ट्स फ्रॉम द मीडिया. यस हाय धर्म जी, सनीपा जी, बॉबीपा, कृति. बेहतरीन ट्रेलर है. मेरा नाम आलोक है, आपके लेफ्ट में. मेरा सवाल ये है कि कब तय हुआ कि YPD 3 बनानी है, अगर आप तीनों में से कोई भी आंसर कर सके. मैं बोल देता हूँ. जी 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 धर्म जी. होश संभलते ही हर इंसान अपनी हसरतों को पूरा करने की कोशिश में जुट जाता है. आप भी किसी न किसी कोशिश में जुटे होंगे इस वक्त भी. और हमारी हसरत थी यमला पगला दीवाना फिर से. पहली फारी चल गई थी, दूसरी फ्लॉप हो गई. तो हम जाट हैं, पीछे हटने वाले नहीं. हम फिर ट्राई कर रहे हैं, हम करते रहेंगे जब तक जीत जीत कर छोड़ेंगे. तो इस तरह हिम्मत हुई और कोशिश की, हमने इसे कंप्लीट किया. कोशिश पूरी हुई, अब कोशिश है कि इसके फल मिलने चाहिए. अब उसकी कोशिश की जा रही है. उसी कोशिश के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं आज. और हम चाहते हैं इसी कोशिश में आपकी कोशिश भी शामिल हो जाए तो ये कोशिश को फल लग जाएंगे. ये है हम यमला पगला दीवाना के पीछे राज. क्यों हर बात आप किसी न किसी खूबसूरत हसरत को पूरे करने की कोशिश में लगे रहते हैं. अगर आप कुछ नहीं करते तो आप हो जाएंगे मोटे. धर्म जी, अक्सर हम सनीपा और बॉबी से पूछते हैं कि जब वो आपके साथ काम करते हैं, लेकिन आज आपसे जानना चाहेंगे जब आप अपने अपने लोगों के साथ काम करते हैं, अपने सनीपा और बॉबीपा के साथ काम करते हैं, आपकी क्या सोच होती है, आप किस जोन में होते हैं? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी. देखिए, मैं दुनिया भर को अपना समझता हूं और अपने तो फिर अपने लगते ही है ना. आप सब मेरे अपने हैं भाई. ये वक्त गवाह है. वक्त से पूछिए मेरे चलते हुए, वक्त से पूछिए मैं सबका हूं. सब मेरे हैं, वरना इतना सफर मैं नहीं चलता. सनीपा जी ऑन योर राइट. Sanipa ji, on your right. First of all, congratulations to the team for the fantastic trailer. This is Simran Singh here from Book My Show. मेरा सवाल आपसे ये कि हाँ, जितनी भी मूवीज आती हैं वो एक महीने पहले से प्रमोशन शुरू हो जाता है, ट्रेलर भी बहुत जल्दी आ जाते हैं. यहाँ पे पहली बार हमने देखा कि पहले टीजर आया, देन टू सॉन्ग्स केम आउट, एंड नाउ बिफोर द रिलीज हार्डली अ मंथ इज बिफोर द रिलीज और अभी हम ट्रेलर देख रहे हैं. वॉज देर ये क्या जानबूझ के ऐसा किया गया था? वॉट वॉज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट? I think it's best to come nowadays, otherwise you have to keep on doing it for so long. So it's best to come near the, when the picture is about to release, and I think there's the best time to put all your efforts in. But otherwise, everybody's putting effort for their, every week there's a film coming, so har hafte aadmi effort dal raha hai. So itni efforts ke beech mein you'll be starting on putting your effort, it becomes a, it gets lost somewhere over there. So I think it's best to do right towards the ending, and aajkal it's become like fast food, so jaldi bhul jate hain log, to just remind them by that time. Hi sir, this is Urvi here on your left. Yeah, my question is to Dharam sir, Bobby and Sunny, all three of y'all. How was the experience of shooting with Salman Khan, Rekha ji and Sonakshi Sinha, all three of them? Maine kaha na, waqt gawahi deta hai mera guzra waqt. Ye sab main kisi ko bhi awaaz doon industry mein, ये मेरी कर्मों का फल है, हमारी फैमिली के कर्मों का फल है. हर कोई जुड़ जाता है. एक आवाज़ दो पूरी इंडस्ट्री आ जाएगी. एंड सलमान हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. आई लव हिम. ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन. ही इज़ जेन्युइन. मैं उसके शूटिंग कर रहा था तो मैं भी बहादुर हूँ, ऐसी बात नहीं. वो एक लेक में शूटिंग कर रहे थे, मैंने पहली दफ़ा सलमान को देखा. वो शर्माता रहता था भी मुझे, आज भी शर्माता है मुझसे. तो कैमरा लेक में गिर गया. कैमरा निकालने के लिए उस आदमी ने जंप किया, पता नहीं कहाँ नीचे गहराई से जाके कैमरा निकाल लाया. तो पहली दफ़ा मैं, यार लड़का बहुत दलेर भी है क्योंकि पहली फिल्म में उसको अच्छा डांसर भी देख लिया था, अच्छा एक्टर भी है. एंड ही इज़ ए इमोशनल मैन. अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं हैं. पहले अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों. आप दुनिया की चोटी तक पहुँच जाओ अगर अच्छे इंसान नहीं हैं, आप कुछ नहीं. आप धरती की ज़मीन में घुसे हुए हैं, आप अच्छे इंसान हैं, बहुत कुछ हैं.
तो ये हमारा तरीका है, हमारे हमारी फैमिली ऐसे ही चलती आ रही है, हमारी जीत का अगर है जीत तो इसका राज यही है। एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस डांसिंग विद रेखा जी एंड सोनाक्षी सिन्हा? हाय 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 हाय, सोनाक्षी तो मेरी बेटी है, रेखा तो मेरी बहुत पुरानी सहेली है, तो कितनी फिल्में की हमने साथ में, हम खुलते 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 ही रहे हैं बस, अच्छा लगा बहुत। शी ऑल केम, आई एम सो थैंकफुल टू हर, गुड गर्ल बिकॉज श्री शी इज ए गर्ल लाइक देव साहब। सर यू नो दिस साइड आई हैव अ क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, बॉबी सर एंड सनी सर, इवन दो यू हैव डन फिल्म्स नॉट डन फिल्म्स, देयर इज अ लेगेसी दैट you know people live up to, you can see the reaction to the trailer, everybody's whistling, crooning, which don't happen to actors today because of social media. It's difficult to become a superstar and continue that stardom, do you agree? And the same question to Kriti, because you belong to a different generation, how difficult is it for a younger actor to maintain or to reach that stardom, superstardom, which is like non-existent today? ये एडजेक्टिव्स लगाने का हुनर चाहिए, हम स्टार नहीं बने, हम एक्टर हैं। ये सुपर वर्ड हमें राजेश खन्ना ने दिया है, इसलिए कि उन्हें ये ढंग आता था, हमें ये ढंग नहीं आता, ना हम ये ढंग सीखेंगे, हम जैसे हैं वैसे चलना चाहते हैं, कोई हमें नंबर वन कहे, टू कहे, थ्री, कुछ नहीं। मेरा एक शेर मैं हमेशा कहता हूँ कि हम 3 में हैं ना 13 में हैं, गिनती छोड़ो ना, हम 3 में हैं ना 13 में हैं, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो खुदा को मोहब्बत, मोहब्बत को खुदा कहते हैं। जोरे मोहब्बत बना लिए हैं घर दिलों में, अब दिलों से निकाले हम कहाँ निकलते हैं। 3-13 में क्या लेना है। धर्म जी या ऑन योर राइट, धर्म जी, ऑल थ्री ऑफ यू आर टू बी सीन टुगेदर, एंड बॉबी का करियर वापस रिवाइव हुआ है, ऑल द बेस्ट टू हिम, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, वी आर ऑल हैप्पी अबाउट इट। मैं या आप, यू सी हर किसी की जिंदगी में, आप डाउन्स लिखे हुए, आपकी जिंदगी भी ऐसे गुजरी होगी, मैं भी ऐसे गुजर के आया हूँ, हर कोई गुजरता है, लेकिन उभरना, फिर उभरना बहुत बड़ी बात होती है, इसमें उसका हाथ भी है। कहते हैं आवाज खल्क नकारा खुदा होती है, तो खल्क की आवाज भी यही चाहती कि बॉबी आए, आपकी दुआओं का असर है, बॉबी आया, बॉबी ने अपने आप को फिर से ठीक किया। लाइफ इज टू फाइट, मैंने कहा ना, हम हर वक्त किसी कोशिश में रहते हैं, ये कोशिश हमने की है, फिर कोशिश करते रहेंगे, क्यों, हमारा काम ही है कोशिश करना, कोशिश किसी भी काम के लिए करते हैं हम। तो हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारा बेटा अभी एक्सरसाइज करता है, मैं कहता था कि और इसको नशा हो गया, आप देखो, जब देखो जिम में है जी, हम जिम में है जी, जैसे मैं हमेशा ठेके में रश, मैं हमेशा किसी अड्डे पे मिलता था, घूंट मारता रहता था, ऐसे गुजारी जिंदगी, मैंने मजा लिया है। बॉबी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस होल चेंज? लव यू गाइस, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। बॉबी, यू नो रिसेंटली यू हैड डन एन इंटरव्यू लास्ट ईयर वेयर यू हैड स्पोकन अबाउट the low phase that you are going through. Today people are excited to watch you on screen, people have loved you in Race 3 and even this one. What do you think about the change in perception and outlook towards you? See, it's I've always had a fan following, my family's had a fan following, it's just that they were disappointed with me because I wasn't doing the right things, I wasn't looking after myself, I wasn't looking good, and I didn't realize all those things. But eventually I always was, when I used to go out, I used to wonder, people come and meet me, take autographs, and they keep saying, why aren't you coming in movies, why aren't you coming in movies? And then finally, when it dawned on me that the reasons why I'm, you know, I've done it to myself, that's when I realized I need to focus and look after myself. I looked at my dad, my brother, I mean, look at my dad, he's 82 and he still wants to work, and that's my 28.
And that's my inspiration, because even at the how many years he spent in this industry, he still has the fire to work. So I was wondering, where's that fire gone in me? You know, why am I giving up and feeling pity for myself? And that's when I woke up and I started looking after myself. And then I met Salman, who inspired me again. And so I'm just grateful that people love me and my family so much that it's just that I'm just happy that I am making them happy by the way I look now and the way I've performed in Race 3. And I'm just glad that people are excited about Yamla Pakariwana. And just hope that you guys enjoy the film. ट्रेलर क्या कहता है जरा सा ताली बजा के बताओ यार क्यों कहते हैं ना कि कहते हैं ना आवाज़ खल्क नकारे खुदा होती है तो मैंने उसके साथ एक अपना लाइन ऐड की है ये अच्छे बड़े नामवर शायर उनका शेर शायर का शेर है आपने भी सुना होगा कई बार कि आवाज़ खल्क नकारे खुदा होती है तो मैं कहता हूँ तो खिदमत खल्क भी इबादत खुदा होती है खल्क की खिदमत करता रहना चाहिए कृति टू योर लेफ्ट कृति टू योर लेफ्ट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर द टीम टू योर लेफ्ट या माय लेफ्ट तो यही है ना योर लेफ्ट या विदिता फ्रॉम वाइकिंग्स हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऑल द थ्री गर्ल्स एंड आल्सो डिड यू लर्न गुजराती स्पेशली फॉर द फिल्म Haha, I learned Gujarati for the movie. I don't know Gujarati otherwise, but I have a lot of Gujarati friends. For me to put into words how it was working with three of them, I think that would be so unfair. Kyunki wo shabd abhi tak aaye nahi hain. But to be able to sit here with the three of them, it's... It's yeah, nice, nice. it's overwhelming. It's overwhelming. It's a great feeling. I wouldn't trade it for anything. I just want to soak in the moment. But वो कहते हैं ना मोबाइल फोन से लोग कैप्चर करते हैं मोमेंट्स पुराने ज़माने में नहीं करते थे तो दिस इज दैट मोमेंट फॉर मी विच आई डोंट वॉन्ट अ मोबाइल फोन टू कैप्चर इट आई वॉन्ट टू फील दिस द वे इट इज धर्म जी जी आपके सामने प्रशांत ई टी वी से धर्म जी ये जो टाइटल है फिल्म का यमला पगला दीवाना आपकी फिल्म प्रतिज्ञा से ये टाइटल है और वो बड़ा मशहूर गीत उस गीत के पीछे की कुछ कहानी बताइए जब आप शूट कर रहे थे कुछ याद कर पा रहे हो आनंद बख्शी कितने खूबसूरत लिखने वाले थे वो उनकी हर तरह के गाने उन्होंने लिखे उन्होंने मुझे देखा मेरी फिल्म की कहानी सुनी तो जट तो जुड़ा ही हुआ साथ में ना और जट यमला बगला दीवाना लगा दिया रफ़ी साहब ने उसके जी जान से गाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने खूब अच्छी धुन बनाई और मैं जी भर के नाचा फिर तो तब से ये एक एक चला आ रहा जैसे जंगली में कोई मुझे जंगली कहे गाने होते हैं कुछ गाने मशहूर हो जाते हैं उन गानों को लोग भूलते नहीं हैं मेरे ख्याल से इस गाने को लोगों ने भूला नहीं और फिर नहीं जो भूलते हैं उनको मैं याद दिलाता रहता हूँ सनी सनी आपने हैंडपम्प उखाड़ा था अब ये पिलर को मुक्का मार के फू कर दिया और क्या क्या फू करवाएंगे आपसे जो जनता चाहती है सब करता हूँ हाउ वॉज दिस कंसेप्चुलाइज्ड आई वुड लाइक टू आस्क द डायरेक्टर दिस पर्टिकुलर सीन या हेलो हाँ जी द पिलर वन टाइटन देखी है आपने तो जैसे वो बन सकती है पिलर भी टूट सकता है एंड देयर मेनी मोमेंट्स लाइक दिस इन द फिल्म यू गाइस विल एंजॉय दैट Sunny, that's the last question we'll take. Sunny, to your होगा होगा और होगा और होगा अभी तो पार्टी शुरू हुई है. Sunny, here to your पूछिए जी भर के पूछिए. Sunny, यहाँ पे right में आपके. Sunny, your next film, like you are directing your son Karan. So how is that coming out? Can you tell us something about that? You've turned a director in the next film. So उसके बारे में अगर आप कुछ बताएंगे. फिलहाल, I don't think I want to talk about my son's film right now because हम लोग यहाँ पर अपनी फिल्म YPD फिर से के लिए हैं एंड आई थिंक आई नीड टू गिव यू गुड टाइम फॉर दैट एंड यू नो इट्स अ मेगा थिंग व्हिच आई हैव टू टॉक लोड्स ऑफ थिंग्स सो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम हर चीज मौके पे की जाए अच्छी लगती है आल्सो आल्सो दिस इज समथिंग आई वांट टू आस्क द थ्री ऑफ यू इट इज श्रीदेवी जी'स बर्थडे इन जस्ट अबाउट 3 डेज सो एनीथिंग इफ यू वांट टू
talk in, like, would you like to talk in her memory? Dharam sir, if you can talk something. I have acted with her in Nakabandi. A nice person. मेरा क्या है डिपेंड करता आप किस तरह बिहेव करते हैं. मैं हर किसी को यहाँ रखता हूँ अपनी नज़रों से ऊपर. अब उस पर है गिरना गिर जाए उभरा रहे उभरा रहे. लेकिन शी वॉज ए नाइस पर्सन. वी एक्सट्रीमली फील सो सैड दैट शी हैज़ गॉन सो अर्ली. शी शुड हैव बीन लिव्ड नाउ. लुक आई लुक एट हर डॉटर्स. आई फील आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. मुझे मैं जज्बात में बह जाता हूँ. वो अच्छी आर्टिस्ट थी. मैंने उनको ज़्यादा मेरा कोई उनसे रहा नहीं. कभी कभी वो घर से खाना भी बना लाती थी. नाइस पर्सन. इससे ज़्यादा क्या कहूँ. थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन. बस एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे हम. सनी सर टूवर्ड्स ले सर. यह सनी सर राजकुमार संतोषी सर के साथ आपने बहुत आइकॉनिक फिल्म घायल घातक जो काफ़ी पॉपुलर थी. इन दिनों चर्चा हो रही है कि घातक 2 बनने वाली है आपके साथ. आप लोगों में पैचअप हो गया. कुछ उस बारे में बता सकते हो सर. जैसे पापा ने कहा ना इस वक्त वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट YPD एंड उसके बारे में बाद में बात करेंगे. सर आप भी हमारे साथ जोर लगाइए. इसलिए मैंने इसलिए कहा है कि हमें आपकी कोशिश की ज़रूरत है. इसलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं. आपकी कोशिश हमारी कोशिश के साथ शामिल हो जाए तो फल निकलेगा. प्लीज ओके. आज के दिन को यमला पगला दिन मनाइए. इस खुशी में यमला पगले दीवाने हो जाइए. बस सोलो फॉलो हमें खुशी है. बाकी सब बातें अभी जब पिछड़े आएंगी ना बहुत कुछ करेंगे. मैं तो बहुत बोलने वाला इंसान हूँ तो इतना बोलेंगे कि आप थक जाएंगे. दुआए दिल मेरी हर दिल से अदा हो जाए. दुआए दिल मेरी हर दिल से अदा हो जाए. मोहब्बत फकत मोहब्बत मज़हब बशर हो जाए. दिले जहां से मिट जाएं सरहदों की खराशें. वतन हर वतन का मालिक सारा जहां हो जाए. Wow, with this. इससे बड़ी क्या बात हो सकती है. सोच रखने वाला इंसान तो चाहता है कि सब हदें तोड़ दो. सब हदें एक हो जाओ. एक कुनबा हो जाओ. क्या बात है. ओके जीते रहो. मैं सारे को प्रोड्यूसर्स को एंड द क्रू ऑफ द फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से सभी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी फॉर अ फोटो ऑप. Thank you.